हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं मेथी के चाय के बारे में। जी हाँ, आपने ब्लैक टी के बारे में तो सुना होगा, आपने काली चाय के बारे में जरूर सुना होगा, हर्बल टी के बारे में जरूर सुना होगा, ग्रीन टी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक अलग प्रकार के चाय के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेथी के दाने के चाय के बारे में और उसके फायदे के बारे में कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में डेली वो मेथी की चाय पीता है तो उसकी वजह से उसको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगर हम बात करें मेथी के चाय की, तो मेथी से तो हम सभी परिचित हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से ही कहते चले आए हैं कि मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक दवा की तरह होती है। लेकिन जो इसका उपयोग होता है वो कई तरीके से किया जाता है। बहुत लोग मेथी को दाल फ्राई करने में यूज करते हैं, बहुत लोग मेथी का पाउडर यूज करते हैं, बहुत लोग मेथी को कच्चा ही चबा के उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं। तो मेथी को प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं और इसके अलग अलग फायदे भी होते हैं। अगर हम पाउडर फॉर्म में मेथी का यूज करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, वहीं पे अगर हम मेथी को भिगो के फिर उसको यूज करते हैं तो इससे उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि पानी में भिगो के खाने की वजह से मेथी पूरी तरह से फूल जाती है और जब मेथी फूलती है तो अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करती है, साथ ही उसमें जो फाइबर होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो मेथी का दाना देखने में बड़ा ही छोटा सा है लेकिन ये गुणों की पूरी खदान होती है, बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। मेथी की जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है और स्वाद में भी थोड़ा सा कड़वा तरह का होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिन चीजों का स्वाद कड़वा होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें सहजन की, जिसको हम मोरिंगा बोलते हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम करेले की बात करें तो करेला भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन इसका स्वाद भी कैसा होता है, तीखा होता है। इसी तरह से अगर हम नीम की बात करें तो नीम भी एक औषधीय पौधा होता है, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों में ये काम करता है लेकिन उसका भी स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसी तरह से हम बात करने वाले हैं मेथी की। तो मेथी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। मतलब अगर कहीं पे व्यक्ति को सूजन हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए या सूजन हो जाए तो उस दौरान भी हम मेथी का प्रयोग करके वहां की सूजन, वहां के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि मेथी का प्रयोग करने से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो फर्स्ट है इसमें डायबिटीज। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज की समस्या है, जिसको भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसका हमेशा बढ़ा रहता है, अगर ऐसे लोग मेथी का प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से जो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि मेथी में क्या पाया जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसके अलावा इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो जो फाइबर होता है ये क्या करता है कि व्यक्ति जो भी फूड ले रहा है, जो भी खाना खा रहा है, अब जब व्यक्ति कोई भी खाना खाता है, किसी भी तरह खाना खाता है, तो उसमें कुछ मात्रा किसकी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की रहती है, कुछ मात्रा प्रोटीन की रहती है, कुछ मात्रा फैट की रहती है, कुछ मात्रा मिनरल्स की रहती है और कुछ मात्रा विटामिन्स की रहती है। तो ये सभी उसके खाने में मौजूद होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा खाना ले रहा है। अगर व्यक्ति बहुत ऑयली खाना ले रहा है तो उसमें फैट की मात्रा बहुत अधिक होगी। अगर व्यक्ति जैसे अधिक मात्रा में जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, मतलब जिसमें स्टार्च का लेवल अधिक है, अगर वैसा खाना खा रहा है तो उसमें क्या होगा, कार्बोज अधिक होगा, स्टार्च अधिक होगा। तो जो कार्बोज या फिर स्टार्च होता है इसका जब पाचन होता है तो ये क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। और कार्बोज के थ्रू जो ग्लूकोज बनता है वो क्या करता है कि ये ट्रिगर करता है इंसुलिन को, और इस वजह से व्यक्ति का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जब व्यक्ति क्या करता है, जो मेथी होती है जिसको हम फेंगुरिक कहते हैं उसका प्रयोग करता है, तो इसकी वजह से ये जो कार्बोज है इसका पाचन और इसका अवशोषण बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है और इस वजह से व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है, इस फाइबर की वजह से हो रहा है। मेथी में जो ये फाइबर है ये क्या करता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अवशोषण को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है और इस
वजह से जो व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कंट्रोल रहता है। अगर ये अधिक मात्रा में अवशोषित होगा तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो ग्लूकोज होता है वो किससे मिलता है व्यक्ति को, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो उसमें अधिकतर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है जब इसका पाचन होगा तो ग्लूकोज ही बनेगा और इस वजह से व्यक्ति का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जल्दी से बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है कार्बोज के द्वारा जो हमको ग्लूकोज मिलता है ये क्या होता है, ये सिंपल फॉर्म में होता है, इसका अवशोषण बहुत फास्ट होता है। और वहीं पे जो जटिल फॉर्म में होता है, जैसे फाइबर की बात करें तो फाइबर के द्वारा जो भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो क्या होगा, बहुत जटिल प्रवृत्ति का होगा, उसका अवशोषण जल्दी से नहीं होगा। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो फाइबर या फिर जो रेशा होता है उसका पाचन नहीं होता है। तो अब जब व्यक्ति खाने में क्या ले रहा है, जो भी चीज ले रहा है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है और साथ में वो मेथी का प्रयोग कर रहा है तो इस मेथी में जो भी फाइबर होगा रेशा होगा वो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है और अवशोषण है उसको स्लो कर देगा और इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी मेथी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये कंट्रोल में रहता है। साथ ही जो हार्ट प्रॉब्लम होती है मतलब दिल संबंधी बीमारियां होने के जो रिस्क रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मेथी होती है उसमें गैलेक्टोज और मैनोज नाम के दो तत्व तो पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में दो तरह का होता है, एक तो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में क्या चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो दो चीज हमने पढ़ ली कि अगर व्यक्ति मेथी का प्रयोग करता है तो पहली बार तो डायबिटीज में उसको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है, और दूसरा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसकी वजह से। और अगर व्यक्ति नियमित तौर पर इसका सेवन करता है भले उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, तो आगे जो उसको हृदय संबंधी बीमारियां होने वाली हैं या फिर हो सकती हैं उनके रिस्क भी कम रहेंगे। क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन लाइफ स्टाइल ऐसी होती जा रही है, हमारा खान पान ऐसा होता जा रहा है कि हार्ट संबंधी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकतर लोगों को दिल संबंधी बीमारियां कहें या फिर डायबिटीज कहें, ये सभी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो अगर पहले से ही हम इनको अपने डाइट में शामिल कर लें, जिस तरह से हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं उसी तरह से अगर हम मेथी को भी अपने डाइट में शामिल कर लें तो ये जो बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। बीमारी होने से पहले अगर हम प्रिवेंशन कर लें उसका तो उसका बचाव हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्वेलिंग है मतलब कि सूजन है तो उसमें भी जो मेथी का दाना होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से शरीर में जो अतिरिक्त सूजन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, जो मेथी होती है उसमें दो तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं लिनोलेइक, और इसमें पाया जाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड, और दूसरा इसमें पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिनोलेनिक, इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो इसेंशियल मतलब कि आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक और एक होते हैं अनावश्यक। तो जो आवश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, मतलब उनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है, उनको हमको अपने खाने के थ्रू लेना पड़ता है। तो जो यहाँ पे लिनोलेइक और लिनोलेनिक दो इसेंशियल अमीनो एसिड है ये मेथी में पाए जाते हैं, और इनका मेन काम होता है कि ये हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनकी मरम्मत में हेल्प करते हैं। जो सेल्स की टूट फूट होती है, हमारे शरीर में हमेशा सेल्स की टूट फूट होती रहती है, तो उनकी मरम्मत के लिए कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें जो दो ये हैं जिनको हम बोलते हैं लिनोलेइक और एक होता है लिनोलेनिक, तो एक में होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड और एक में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में सूजन है तो उसको कम करने में, क्योंकि जो नई सेल्स होती हैं उनको बनने में ये हेल्प करते हैं, साथ ही जो पुराने सेल का डैमेज होता है उसको भी ये कम करते हैं, मतलब पुराने सेल्स की जो टूट फूट होती है उसको भी ये कम से कम करने में हेल्प करते हैं।
है तो जो नए सेल्स बनेंगे और पुराने जो सेल्स हैं वो भी कम मात्रा में डिस्ट्रॉय होंगे, तो शरीर में जो स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग कब होती है जब शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम सेल्स कहते हैं, कोशिका होती है, वही प्रभावित होती है। तो उन सेल्स को मरने से बचाने का काम कौन करता है? ये दोनों अमीनो एसिड करते हैं जो आवश्यक अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं, साथ ही नए सेल्स के बनने में भी ये हेल्प करते हैं, इसलिए व्यक्ति के शरीर में जो सूजन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर मेथी का व्यक्ति यूज करता है तो सूजन में भी उसको हेल्प मिलती है। इसके अलावा फोर्थ है इसमें इम्यूनिटी बूस्टर। तो जो मेथी होती है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करती है, मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि इसमें क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, और इस वजह से जो छोटे मोटे संक्रमण होते हैं उससे भी हम बचे रहते हैं। तो अगर हम मेथी का नियमित सेवन करते हैं तो उसकी वजह से ये सारे फायदे तो होंगे ही होंगे, साथ ही हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है वो भी मजबूत रहेगा, और इस वजह से जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार की समस्या हमको होती रहती है उससे भी हम बचे रहेंगे। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, मतलब अगर किसी का वजन बढ़ रहा है और वो मेथी का प्रयोग करता है तो उसकी वजह से उसका वजन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि ये एक क्या है, हमारे खाने का ही एक पार्ट है, एक भाग है। जिस तरह से हम सब्जी में नमक का यूज करते हैं, मसालों का यूज करते हैं, दाल में हम घी का यूज करते हैं, या फिर खाने के समय स्वाद को बढ़ाने के लिए हम अचार का यूज करते हैं, उसी तरह से मेथी भी हमारे खाने का ही एक पार्ट है। तो अगर हम नियमित तौर पर इसका सेवन करेंगे तभी इसका रिजल्ट हमको मिलेगा, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है। अगर हम 10 दिन 15 दिन एक महीने इसका यूज करें उसके बाद छोड़ दें तो फिर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको कंटिन्यू हमको अपने खाने में रखना है। तो ये किस तरह से हमारा वेट लॉस करेगा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, फाइबर होता है। अब जब फाइबर अधिक होगा तो इसकी वजह से व्यक्ति को जो बार बार भूख लगने की इच्छा होती है, बार बार उसको भूख जैसा महसूस होता है, ये क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो फाइबर ले रहा है तो फाइबर में पानी बहुत अधिक अवशोषित करने की क्षमता होती है, और इस वजह से व्यक्ति को पेट फूला हुआ लगेगा, पेट भरा हुआ लगेगा, और इस वजह से वो ज्यादा खाना नहीं खाएगा। दूसरा इसमें एक तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेनॉल्स। अभी जो पॉलीफेनॉल्स होता है ये क्या करता है कि जो शरीर में अतिरिक्त फैट होता है, आवश्यकता से अधिक जो हम फैट ले लेते हैं, उसको जमने से रोकने का काम करता है। तो अगर व्यक्ति कंटिन्यू अपने डाइट में अपने खाने का एक हिस्सा बना ले अगर मेथी को, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे फायदे होंगे। इसके अलावा अगर व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, तो उसमें भी मेथी बहुत अधिक हेल्प करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी तत्व होता है। इसके अलावा ये एजिंग में भी हेल्प करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से ही जो एज संबंधी लक्षण है वो दिखने लगते हैं, जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जो स्किन होती है वो ढीली पड़ने लगती है। तो अगर मेथी का व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसकी वजह से जो झुर्रियों की समस्या होती है इससे भी व्यक्ति बचा रहता है, काफी लंबे समय तक व्यक्ति की जो स्किन रहती है वो स्वस्थ, हेल्दी और ग्लो करती रहती है। मेथी के बहुत सारे फायदे हैं, बस अगर व्यक्ति इसको नियमित तौर पे लेने लगे तो, जिस तरह से हम नियमित तौर पे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, उसी तरह से अगर हम मेथी को भी अपने खाने का एक हिस्सा बना लें तो बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, साथ साथ हमको और भी बहुत सारे अन्य फायदे देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इसको हमको प्रयोग कैसे करना है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि हम इसके अगर चाय की बात करें, क्योंकि जब व्यक्ति सुबह सुबह सो के उठता है तो सबसे पहला उसका जो ड्रिंक होता है वो क्या होता है, चाय होता है। तो चाय के लिए तो मैं हमेशा ही मना करती हूँ, लेकिन अगर आप उस दूध वाली चाय की जगह पे मेथी वाली चाय पिए तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो उसको बस करना क्या है, रात में एक चम्मच मेथी का दाना आप धुल के एक गिलास पानी में उसको भिगो दीजिए, और उसके बाद सुबह वही एक गिलास पानी जो आपने भिगो के रखा है एक चम्मच मेथी का दाना, उसको गैस पे रख दीजिए, और जब वो पकते पकते आधा हो जाए तब आप उसको छान के पी सकते हैं, या फिर आप उसके जो बीज हैं, मेथी के जो दाने हैं, उनको चबा के उस पानी को पी सकते हैं। बस यही आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको ये भी ज्यादा बड़ा काम लग रहा है तो आप मेथी के दानों को
पीस लीजिए, मिक्सर में पीस लीजिए। उसका पाउडर एक डिब्बे में जिसका ढक्कन अच्छे से टाइट होता हो उसमें बंद करके रख दीजिए, और सुबह जब आप उठिए तो उस दौरान एक गिलास पानी गुनगुना करिए और एक चम्मच वही मेथी का पाउडर लीजिए, और मेथी का पाउडर मुंह में रख के आप एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये दो तरीके हैं, आप इस तरह से इनका सेवन कर सकते हैं, इससे अधिक आपको फायदा मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट मेथी का दाना खा के पानी पीते हैं तो ये उतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि जब हम मेथी को भिगो के यूज करते हैं तो इसकी वजह से जो उसका फाइबर वाला कंटेंट होता है, तो उसका फंक्शन होता है, वो बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो शायद वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाता है। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।